अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ जनाब आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं बोट से शिप पे काम करने। तो गाइस, ये अपना दोस्त है साजिद, ये भी अपने साथ में जाएगा काम करने। और यहाँ पर हमको पहला शिप तो नज़र ही आ चुका है। आज का टेम्परेचर है 33 डिग्री और इस गर्मी में काम करना बोले तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और हम लोग रोज़ा भी है। आज का क्या एक्सपीरियंस रहता है हम आपको वहाँ जाके शेयर करेंगे। बात करते हैं इस क्रूज की कि अगर आप इसमें ट्रैवल करते हो तो आपका कितना प्राइस लगेगा। 2 नाइट 3 डेज अगर इसमें ट्रैवल करते हो तो आपका 25,000 रुपये लगेंगे। अगर आप इसमें 3 नाइट्स और 4 डेज अगर ट्रैवल करते हो तो आपका इसमें लगता है 38,000 रुपये। भाई सीन ये है कि दोनों जन रोज़ा है हम लोग, और रोज़े में दोनों की हालत क्या होने वाली है आज ना शाम को आपको बताएंगे। तो भाई अपनी बोट में तो आ चुके हैं, अब यहाँ से जो भी खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे हैं सब आपको दिखाएंगे। तो भाई लोग अपन तो आ गए हैं अपने बोट पे और बोट से जा रहे हैं, जो भी रास्ते में आपको नज़ारे मिलेंगे उसका सब दिखाएंगे। Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. राइट नाउ इट इज़ 4 o'clock और ये पूरा जो दिख रहा है यहाँ से ये ECR है। यहाँ से मतलब मोटर जनरेटर सब यहीं से ऑपरेट होता है। और ये अपने साथ आए थे जो काम करने साजिद, इसकी हालत देखो रोज़े में कैसी हो गई है, हंस रहा है। वही यहाँ पर काम वाम फिनिश हो गया, हम लोग एकदम फ्रेश होके ऊपर डेक के ऊपर से ऊपर आए हम लोग, और ज़रा खूबसूरत नज़ारे का व्यू लेने। आप भी ज़रा मज़े लीजिए। देख सकते हो कितना खूबसूरत नज़ारा है। मन तो कर रहा नहीं है यहाँ से जाने का, लेकिन अफ्तारी का टाइम हो गया तो हम लोग को घर जाना पड़ेगा। और इसकी हालत देख सकते हो आप सब, इसकी क्या मेरी देख लो, आवाज़ भी नहीं निकल रही है। शिप पर हेलीपैड भी है, दिखा दे आप सबको ये इसका हेलीपैड कैसा है। तो भाई एकदम टॉप फ्लोर पर आ गए और ये देखो सामने कितने ऊपर ऊपर चढ़ के बंदे लोग काम कर रहे हैं। बहुत रिस्क वाला काम होता है लेकिन सेफ्टी का पूरा ध्यान रख के किया जाता है। भाई इस पर हेलीपैड तो बना हुआ है लेकिन क्या बोलते हैं इस पर थोड़ा सामान वगैरह रखा गया है क्योंकि काम चालू है। और सामने ये खूबसूरत था शिप। आप सब सोच सकते हो कितना मज़ा आएगा इस खूबसूरत नज़ारे के बीच। तो एक बात आप सबको बोलना था, अगर आप लोग ने मेरा पहले वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके वो भी चेकआउट करो। देख उम्मीद करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगेगा। और अगर आप लोग ने लाइक सब्सक्राइब किया तो इंशाल्लाह आगे भी हम ब्लॉग ऐसे कंटिन्यू करते रहेंगे। ये हमारी लॉन्च तो आ चुकी है बट इस पर कुछ सामान आया, ये पूरा लोड होगा शिप पर, उसके बाद ही हम इसी से जाएंगे। Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. और यहाँ पर प्यारा सा सनसेट और उसके बीच में ऑन बोर्ड क्रूज समंदर को चीरते हुए निकल रहा है। एकदम बाजू से जा रहा है अपने, क्योंकि एकदम बाजू से मन कर रहा है छलांग लगा के चले जाऊँ इस पे। I believe it's true. Every day the sun rises again for you. तो भाई अफ्तारी का टाइम हो गया था और वही टाइम में लॉन्च आ गई थी, तो लॉन्च पे बैठ के हम लोग आ गए और अफ्तारी वहीं लॉन्च में ही खोल लिए। उम्मीद करता हूँ सबको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, नया तो सब्सक्राइब करो।